आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बढ़िया इलाज बताऊंगा जिससे आपके बॉडी के अंदर की सारी नसें खुल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को दिल से जुड़ी हुई बीमारी है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज एक ऐसा इलाज आपको बताऊंगा जिसे करने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होगी। और अगर आपके नजदीक कोई ऐसा इंसान है जिसे डॉक्टर ने कहा है कि उसको अपने दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो प्लीज आप एक बार इस वीडियो को देखिए और इसके ट्रीटमेंट को एक बार अप्लाई करके देखिए। मैं आपको आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा जिससे आपकी नसों की ब्लॉकेज 100% ठीक हो जाएगी और आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आइए फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमारे घर में कभी कभार नल में पानी आना कम हो जाता है और हम क्या करते हैं, प्लम्बर को बुलाकर अपने घर के टैंक को साफ करवाते हैं, पाइप्स को साफ करवाते हैं और नल को साफ करवाते हैं ताकि फिर से वो पानी का प्रेशर आ सके। दोस्तों, यही सेम चीज हमारी बॉडी के साथ भी है। जिस तरह से पानी के लिए घर के अंदर पाइप्स लगी हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में खून को ले जाने के लिए भी नसें होती हैं। जिस तरह से घर में पानी का टैंक होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक टैंक है जिसे हम दिल कहते हैं। हमारे गलत खान पान की वजह से हमारे अंदर का ये जो टैंक, ये जो दिल है, उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है। यही गंदगी हमारे दिल से होती हुई हमारी नसों यानी कि पाइप्स में जमा हो जाती है। धीरे धीरे हमारी नसें बंद होती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है जब हमारा दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। हमारी नसों के बंद होने से हमारी बॉडी में 100 तरह की बीमारियां आती हैं, क्योंकि दोस्तों जब हमारी बॉडी में खून का सर्कुलेशन ही कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए खून मिल ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, जिस कारण से बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, तो अगर आपकी किडनीज को अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा तो आपकी किडनीज अच्छे से खून को प्योरीफाई नहीं कर पाएंगी। अगर आपके बालों की जड़ों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपके बाल झड़ने लगेंगे और टूटने लगेंगे। अगर आपकी आईज में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो आपकी आईज पर स्ट्रेस पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होती रहेगी और आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम भी रहने लगेगी। इसी तरह से ही अगर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम है तो आपको आलसपन रहने लगेगा और काम में आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपके दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में दिक्कत होगी, आपको काम याद नहीं रहेगा। तो देखो दोस्तों, किस तरह से एक छोटी सी नसों की प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा कर सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी नसों को हमेशा साफ सुथरा रखें, अपने शरीर को साफ रखें, खून को प्योरीफाई रखें ताकि आपके शरीर में बीमारियां पैदा ही ना हो। अब अपने खून की सफाई के लिए, हार्ट ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए, नसों को खोलने के लिए एक आयुर्वेदिक बढ़िया नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए घिया, दूसरे नंबर पर धनिया, तीसरे नंबर पर पुदीना और चौथा आपको तुलसी चाहिए। ये चारों चीजें आयुर्वेद में बहुत बड़ी औषधि है। घिये का जूस 1 गिलास लेना है, 10 पत्ते धनिये के, 10 पत्ते पुदीना के और 10 पत्ते तुलसी के। 1 गिलास घिया के जूस के अंदर आपको धनिये के, पुदीने के और तुलसी के पत्तों को पीस कर डाल देना है। धनिया, पुदीना और तुलसी तीनों बहुत बड़ी औषधि है। तुलसी को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। एक माँ अपने बच्चे का जिस तरह से ध्यान रखती है, उसी तरह से ही ये तुलसी माँ भी हमारा ध्यान रखती है। आपको कभी कितना भी बड़ा बुखार क्यों ना आ जाए, तुलसी के रस के साथ आप उस बुखार को ठीक कर सकते हैं। बुखार के लिए आपको तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसको हल्का गर्म करना है और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर आपको उस इंसान को देना है जिसे बुखार है। पैरासीटामोल से 100 गुना ज्यादा अच्छे से ये तुलसी काम करती है। तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाने से शरीर में एनर्जी रहती है और कैंसर जैसी बीमारियों से इंसान बचा रहता है। आपको दोस्तों घिया के इस जूस को लगातार 6 से 7 महीने पीना है। लगातार 6 से 7 महीने घिया का ये जूस पीने से 90% तक अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज है तो वो भी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर 80-90% ब्लॉकेज हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपको एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए, आपको दिल के अंदर स्टंट डलवा लेना चाहिए। अब दोस्तों डॉक्टर आपकी बॉडी में वो 10 रुपए वाला स्टंट 2.5 लाख रुपए में डालेगा। अब ये स्टंट डालने के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका खून गंदा का गंदा ही है। अब ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से घर के अंदर पानी का प्रेशर कम होने की वजह से हम नल चेंज करवा लें। नल चेंज करवाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि घर के अंदर का जो टैंक है, जो पाइप्स है, उसके अंदर गंदगी वैसी ही वैसी है।
उसी तरह से ही हमारे दिल में अगर आप स्टंट डलवा भी लेते हैं तो ये स्टंट 7 से 8 महीने ही चलेगा। उसके बाद कुछ महीने बाद आपके स्टंट के आसपास फिर से गंदगी जमा होने लगेगी और फिर से वही प्रॉब्लम आपको आ जाएगी और फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि इस बार आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और डॉक्टर आपसे पैसे बनाते रहते हैं। हम अपने लाखों व्यूअर्स को हमेशा यही बताते हैं कि आप अपने खान पान की ओर ध्यान दें, फिर जो आप पैसा कमा रहे हैं उसे आप बीमारियों पर नहीं बल्कि खुशियों पर खर्च करेंगे। अब अगर आप ये जूस को पीते हैं, सिर्फ घिया का जूस पीने से हमारी नसें ही नहीं खुलती, अनेकों बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। अब अगर किसी इंसान को 10 साल से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो घिया का जूस एक बार पीकर देखिए, आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा शुगर यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम में भी ये घिया का जूस बहुत ही अच्छा है। अब डायबिटीज के रोगी पिछले 5-10 साल से दवाई खा रहे होंगे, अब 5-10 साल से आप दवाई खा रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि डायबिटीज के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज हैं। अगर आप अपना रहन सहन, खान पान चेंज नहीं करेंगे तो 10 साल छोड़िए, 20 साल दवाई खाते रहिए, आपकी डायबिटीज कम नहीं बल्कि बढ़ती रहेगी। तो अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, खान पान को चेंज कीजिए, 6 से 7 महीने लगातार घिया का जूस पीजिए, आपको डायबिटीज क्या होती है ये भूल जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो घिया का जूस पीजिए, घिया का जूस पीने से आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा। दोस्तों हमारे बाल एक पौधे की तरह होते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए पौधा है, पौधे को आप जितना मर्जी स्प्रे कर ले, पौधा तब तक अच्छे से ग्रो नहीं करता जब तक उसकी जड़ों में खाद ना डाली जाए। तो ऐसा आपको अपने बालों के साथ भी करना है। आपके बालों की भी जड़ें हैं तो जड़ों को खाद कैसे मिलेगी, जब आप कुछ अच्छा खाएंगे। अच्छा खाने पीने से ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और यही ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देकर उन्हें मजबूत बनाता है। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकने के लिए घिया का जूस लगातार 2 से 3 महीने पीकर देखिए, आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आंखों की रोशनी को तेज करना है तो भी घिया का जूस बहुत अच्छा है। घिया का जूस एक और बहुत बड़ी बीमारी में फायदेमंद है और वो है मोटापा। आज के समय में इंसान मोटापे से बहुत परेशान है। मोटापे को खत्म करने के लिए हम लोग न जाने क्या नहीं करते, लेकिन मोटापा खत्म हो ही नहीं पाता क्योंकि हम लोग इलाज सही ढंग से नहीं करते। मोटापे को भी खत्म करने का इलाज वही है जो आपकी बंद नसों को खोलने का है। घिया का जूस हर रोज पीजिए, 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। वजन भी तभी बढ़ता है जब अपने लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं करते। लाइफस्टाइल गलत रखेंगे, खान पान गलत रखेंगे तो आपको ये बीमारियां चलती रहेंगी और डॉक्टर से दवाई लाते रहेंगे। क्या फायदा, इतनी मेहनत से पैसा कमाओ और डॉक्टर्स को दे दो। दोस्तों इससे अच्छा है आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करो। जितना जरूरी अपने परिवार का ध्यान रखना है उतना ही जरूरी अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये गिफ्ट बहुत अनमोल है। अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यही बॉडी, यही शरीर आपको सबसे ज्यादा तंग करने वाला है। अब अगर शरीर में कभी कैंसर हो जाए तो इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारियां आपको ना हो तो आज ही संभल जाएं और अच्छी चीजें खाना शुरू कर दें। कच्ची सब्जियां और फल जितना खा सकते हैं उतना खाएं और जितना पका हुआ खाना कम से कम कर सकते हैं कम कर दें। अगर आप सिर्फ फलाहार कर सकते हैं तो इससे अच्छा जिंदगी में आपके कुछ हो ही नहीं सकता। हफ्ते में एक बार व्रत जरूर रखें। व्रत रखने से यानी कि फास्टिंग करने से भी बॉडी स्वस्थ रहती है। सिर्फ इतना नहीं कि व्रत सिर्फ आपको धार्मिक दृष्टि से रखने हैं, व्रत आपको अपने शरीर के लिए रखने हैं। धर्मों में भी व्रत को तभी शामिल किया गया ताकि लोग भगवान के नाम पर एटलीस्ट व्रत तो रखें। जब एक दिन आप अपने पेट को खाली रखते हैं तो उसी दिन आपकी बॉडी शरीर के अंदर के बुरे बैक्टीरिया को खत्म करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि घिया के जूस के जरिए हम कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कैसे बंद नसों को खोल सकते हैं, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इलाज हमारे घर में ही है, सिर्फ जरूरत है तो समझने की। डॉक्टर्स की इन दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपनी बॉडी का ध्यान खुद नहीं रखते, अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसी और वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।